हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जुलूजू इंडिया। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू टू ऑल। और आज हम करेंगे 30 और 31 दिसंबर के करंट अफेयर। ये फ्रेंड दिसंबर की लास्ट वीडियो है। मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी मेरे पास। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, आपका 19th को IPS क्लर्क का एग्जाम है, तो प्रिपरेशन आप काफ़ी तेज कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक वीडियो डालूंगा 3-4 दिन बाद, या जैसे मेरे को टाइम मिले मैं डाल दूंगा। उसमें लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, और वो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर की बॉन्ड क्वेश्चन की वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स, उसको देखना मत भूलिएगा आप, क्योंकि उसमें से मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन आपको IPS क्लर्क में मिलेंगे। फ्रेंड, जो दिसंबर के मेरी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक दिसंबर की वीडियो और ये वाली वीडियो 200 क्वेश्चन की, इन दोनों वीडियोस में से आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको IPS क्लर्क में मिलेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम RRB IPS PO मैंने अपने ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट्स को पूर्ण क्वेश्चन बताए थे, और उसी में से आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिले थे, और स्टूडेंट की काफी मेल भी आई है मेरे पास कि उनकी सिलेक्शन हुई है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप वीडियो देखना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, 1 दिसंबर से ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है दिसंबर CA के नाम से, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप 1 दिसंबर से 31 दिसंबर की वीडियो दिसंबर की देख लेना। फ्रेंड, ज्यादा वीडियो नहीं होती है, 10 से 15 मिनट की होती है, तो आप या तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं यूट्यूब पे, ताकि आपको और कम टाइम लगे। तो आप दिसंबर की पूरी वीडियो देख लेना, पूरे मंथ की, और मैं कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में वो अपलोड कर दूंगा वीडियो। वो वीडियो मत देखना भूलना, आपको डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हु हैज बीन नेम्ड एज इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि भारत के प्रमुख रक्षा कर्मचारी के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये है बिपिन रावत जी। फ्रेंड्स, जो ये इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनका काम क्या होता है? तो ये क्या होते हैं, ये एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के। जितनी हमारी तीनों थल सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, तो ये तीनों की एडवाइजरी एक तरह से रिपोर्ट बनाकर डिफेंस मिनिस्टर को पेश करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर। तो ये मिलिट्री एडवाइजर होंगे डिफेंस मिनिस्टर को, तीनों सेनाओं के। तो फ्रेंड्स, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो हैं राजनाथ सिंह जी। इनका संबंध लखनऊ से है, लखनऊ। हु वॉन द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड। तो मैं बताना है फ्रेंड्स, कौन से डायरेक्टर को पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड के लिए। तो इन्होंने एक बेहतरीन पिक्चर डायरेक्ट की थी वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड, तो इनका नाम है क्वांटिन टेरेंटिनो। विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड टू द इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन ऑक्शनिंग ऑफ असेट्स अटैच्ड बाय बैंक। तो फ्रेंड्स, ये ई ऑक्शन का एक कंसेप्ट है। ये ई ऑक्शन होती है, तो बोली लगती है, जिसमें हम मतलब वो सब कुछ क्या होगा, वो ऐप के थ्रू होगा। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सरकार ने, इससे क्या होगा, हम प्रॉपर्टीज की फोटोज देख पाएंगे, प्रॉपर्टीज की वीडियोज देख पाएंगे, और उनकी जो अमाउंट होती है, कितने की प्रॉपर्टी है, सब कुछ मिलेगा हमें एक ही जगह पे। तो हमें बताना है कि ये प्लेटफॉर्म कौन सा है जो सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये क्या है, ई बिक्रे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। फाइनेंस मिनिस्टर जो कौन है, निर्मला सीतारमन। नो, नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ईयरली पेंशन ऑफ ₹6,000 फॉर ट्रिपल तलाक विक्टिम्स। तो फ्रेंड्स, जितने भी ट्रिपल तलाक पीड़ितों को ये सरकार जो है ₹6,000 मासिक वार्षिक पेंशन देगी। तो हमें बताना है कि ये स्टेट कौन सी है, तो ये है उत्तर प्रदेश की बात करें, जो यहाँ के CM है मिस्टर योगी आदित्यनाथ। Who won the world rugby title? ये फ्रेंड्स भारत के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि एक ये भारतीय है जिन्होंने ये खिताब जीता है, तो ये है कुनेरो हम्पी जी। ये फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश से, और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था विजयवाड़ा। फ्रेंड्स, ये तो वुमेन वर्ल्ड रैपिड टाइटल इन्होंने जीता है, और जो इन्होंने फाइनल में हराया था ली टिंगेज। फ्रेंड्स, जो मेल जीता है वो रशिया के महान खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीता है मेल रैपिड टाइटल। अगर क्वेश्चन आया कि मेल अवार्ड किसने जीता, तो वो है मैग्नस कार्लसन,
और वुमेन है तो पनेरो हम्पी। वैसे मैक्सिमम चांस वुमेन के हैं क्योंकि एक भारतीय है जिन्होंने ये खिताब जीता है, तो आपको मुझे लगता है कि ये पनेरो हम्पी वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा फ्रेंड्स। या तो आपको क्वेश्चन ये आएगा कि किसने खिताब जीता है, या आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कुनेरो हम्पी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, वो है आंध्र प्रदेश। क्योंकि लभी LIC का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज जीता वो एक भारतीय है, वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो मुंबई से बिलोंग करते थे। तो आजकल थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप सारी बातें ध्यान रखना। शिव शर्मा हु रिसेंटली डाइड एट 85 वाज द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ विच न्यूज चैनल। तो शिव शर्मा जी का हाल ही में निधन हो गया, तो हमें बताना है कि कौन से समाचार चैनल के ये पूर्व महानिदेशक थे। तो ये थे दूरदर्शन के, दूरदर्शन। नेक्स्ट वन इज लियो वराडकर हु वाज इन न्यू रिसेंटली एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड्स लियो वराडकर अभी भी भारत आ रखे थे, तो और ये क्यों भारत आए थे, क्योंकि इनकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है, पूर्वज थे वो यहीं के थे। महाराष्ट्र में एक जगह है और उसका नाम है सिंधुगढ़, सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में विजिट करा था इन्होंने। एंसेस्टर प्लेस अपना आप देख सकते हैं, इनके रिलेटिव हैं और यहाँ पे खड़े हैं लियो वराडकर जी और इनके सारे रिलेटिव्स हैं। और ये फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं आयरलैंड से, और जो ये राष्ट्र सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं वो आयरलैंड के हैं। आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन, डबलिन, डबलिन। और पोलैंड की बात करें तो वॉर्सा, वॉर्सा। और ग्रीस की बात करें एथेंस, और जो स्पेन की बात करें मैड्रिड, मैड्रिड। अभी क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस भी मैड्रिड में हुई थी, ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बाय FCI व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। तो हमें बताना है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अभी FSI की, तो उसका पहले फ्रेंड फुल फॉर्म बताना चाहूंगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तुम्हें तो बताना है कि इसमें भारत में टोटल फॉरेस्ट, टोटल वन का एरिया कितना है और कितने पेड़ जो है भारत में पेड़ों ने एरिया कवर कर रखा है। तो ये फ्रेंड्स का सही आंसर है 24.56%, 24.56%। नाउ नेक्स्ट वन इज हु सेट द न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। तो फ्रेंड्स ये एक अमेरिका की नागरिक है, इनका नाम है क्रिस्टिन कोच, ये नासा की एस्ट्रोनॉट है नासा। और जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनका तोड़ा है पेगी विटसन का, इनका 288 डेज का रिकॉर्ड था। सिंगल वुमेन जो हेड करती है अपने लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट को, सिंगल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, सिंगल की, अकेली वुमेन ने एक स्पेस स्पेस फ्लाइट को सबसे मैक्सिमम टाइम 280 डेज लॉन्ग हेड किया था, वो किया था, हेड किया था पेगी विटसन जी ने, बट उसका रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है। इनको 289 डेज हो गए हैं, अब भी इनको 6 हफ्ते और लगेंगे फ्रेंड्स अर्थ पे आने के लिए, धरती पे आने के लिए, तो इनका रिकॉर्ड और लंबा हो जाएगा। तो इनका सही आंसर है कृष्णा कोच जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम में मिलेगा, द न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। तो इसका सही आंसर है कृष्णा कोच जी, पहले था 288 डेज का जो था पीकी वेटसन के नाम, बट अब ये रिकॉर्ड जो है क्रॉस कर दिया कृष्णा कोच जी ने, इनको 289 डेज हो गए हैं और अभी भी इनको 6 हफ्ते लगेंगे अर्थ पे आने के लिए। इंडिया गवर्नमेंट विद विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज साइंड एन MOU फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर डे NULM योजना। तो फ्रेंड्स जो ये अंत्योदय योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके अंतर्गत भारत ने एक ई कॉमर्स साइट से टाई अप किया है ताकि जो वुमेन द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी सेल की जाए जा सके, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी सेल की जा सके। तो इसका सही आंसर है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट। और फ्रेंड्स LULM की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। द 80th सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच सिटी। तो मैं बताना कि भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां अधिवेशन किस शहर में किया गया, तो ये किया कन्नौर, कन्नौर में किया गया फ्रेंड्स। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट ये कौन से हैं, जैसे डोमोसाइल सर्टिफिकेट हो गया, डोमोसाइल, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएगी ये स्टेट, और ऑनलाइन हो गया, आपको कहीं कचहरियों में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा की बात करें, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो है नवीन पटनायक जी,
नवीन पटनायक। विच यूनिवर्सिटी विल होस्ट इंडियन साइंस कांग्रेस? तो हमें बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय है जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो ये करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन बैंगलोर, तो बैंगलोर में होगी। और जो उसका उद्घाटन करेंगे वो होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये, जब भी ये हर साल जैन में होती है इंडियन साइंस कांग्रेस, 28 जो राज्य हैं, पहले 29 थे 28 हो गए हैं, किसी भी राज्य में से किसी यूनिवर्सिटी में होती है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है। तो इस साल जो हुई है वो है बेंगलोर में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। हु वोन द टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप? तो हमें बताना है कि टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप के विजेता कौन है, तो ये है उदयन माने जी, उदयन माने। अटल किसान मजदूर कैंटीन हैज बीन इनोवेटेड इन विच सिटी? तो फ्रेंड जो कैंटीन है इसके अंतर्गत क्या होगा, जो किसान मजदूर होते हैं उनको खाना दिया जाएगा और ये खाने की जो कीमत है बहुत ही कम रखी गई है और रखी गई है मात्र दस रुपए। और ये हमें बताना है कि ये किस शहर में खोली गई है, तो ये खोली गई है करनाल में। और इसका जो उद्घाटन किया है वो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने किया है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के ये मुख्यमंत्री हैं। अमिताभ बच्चन वाज द ऑनर्ड विच नंबर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो फ्रेंड्स हाल ही में सदी के महानायक को अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हमें बताना है कि इनको कौन से नंबर का अवार्ड मिला, तो ये मिला है ना 50th नंबर का 50वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि इसका पहला जो विनर है वो कौन था, तो वो थी देविका रानी जी। सबसे पहले फ्रेंड्स ये 1969 में दिया गया था, 1969 में दिया गया था, 1969। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसने जीता, तो वो जीता देविका रानी जी ने 1969 में। अब ये बातें सारी याद रखना। और इस साल का किसको मिला, अमिताभ बच्चन जी को, और ये 50वां नंबर का अवार्ड है। फ्रेड ग्राहम हु रिसेंटली डाइड एट 88 वाज अ फेमस पर्सन ऑफ व्हिच प्रोफेशन? तो फ्रेड ग्राहम का हाल ही में निधन हो गया, तो हमें बताना है कि इनका जो पेशा था वो क्या था, तो ये फ्रेंड जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट। फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज एक देश उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी के बारे में जानते हैं, तो लगभग मैं अपने दिसंबर की वीडियो में 25 से 30 मैं कंट्रीज करा चुका हूँ। तो इसी कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 1 दिसंबर से आप प्लेलिस्ट पे चले जाना, दिसंबर सीए के नाम से है, और 31 दिसंबर की सारी वीडियोस देख लेना आप दोबारा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, क्योंकि डेफिनेटली आपको आईपीएस क्लर्क में दिसंबर से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आजकल सिर्फ 3 या 4 महीने की करंट अफेयर्स ही आते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं, तो 3-4 महीने की करंट अफेयर आते हैं। तो मैंने सारी जो कंट्रीज है मैक्सिमम मैं 25 से 26 कंट्रीज करवा चुका हूँ, जिनकी कैपिटल करेंसी और उस देश की लोकेशन का सब कुछ बताया मैंने उसके बारे में, तो आप प्लीज वो देख लेना। तो चलिए हम बात करते हैं फिलीपींस की, आज की जो हमारी कंट्री है फिलीपींस। ये फ्रेंड्स पहले तो बताऊंगा एशियन कंट्री है ये, साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्री है, और इसकी कैपिटल की बात करें वो है मनीला, और जो करेंसी है इसकी पैसो करेंसी है। फ्रेंड्स ये मशहूर इसलिए है, एक तो फ्रेंड यहाँ पे टाइफून बड़े आते हैं, साइक्लोन काफी आते हैं यहाँ पे, और सेकंड वन इज यहाँ पर बीचेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप टूरिज्म में बात करो तो यहाँ की बीचेस काफी मशहूर हैं, बीचेस फिलीपींस में बहुत ज्यादा हैं। और एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में इनके अभी जो हेड है वो भी चेंज हुए हैं, मैंने आपको वीडियोज में बताया था, आप कमेंट में जरूर बताना इनके नए हेड कौन है। वो जो शपथ लेंगे मतलब ज्वाइनिंग करेंगे वो 20 जनवरी से करेंगे, 20 जनवरी। अभी जो करंट है इनके वो ताकी को निकाले हैं, बट 20 जनवरी से उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। और ये नए जो जिनका मैं आपको आपसे नाम पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उनका नाम क्या है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स जो ADB का हेडक्वार्टर है वो है मनीला में भी फ्रेंड कहाँ पर है, मंडल योंग में एक जगह है मनीला में, वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स फिलीपींस के लिए आप ये बात याद रखना, कैपिटल मनीला और करेंसी पैसो, और जो इसकी लोकेशन है वो है साउथ ईस्ट एशिया में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर किया करो एज मच एज यू कैन। तो आप वीडियो शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं डेफिनेटली आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। अभी मैं आपके लिए एक इंडेक्स की वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें भारत का क्या क्या इंडेक्स है, सभी रैंक
सूचकांक में, वो आपको पता चल जाएगा, तो आईपीएस क्लर्क में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो फ्रेंड चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।